हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर बिलन टेक्नीशियन ग्रेड टू एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों उसी क्रम में आज हमारा 33 पार्ट है। इसके अलावा मैं 32 पार्ट का वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप हमारे 32 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इसके पहले मैं डिजिटल भी खत्म कर चुका हूँ, EDC भी खत्म कर चुका हूँ, ECD खत्म कर चुका हूँ, अभी EDC का पार्ट बाकी है। ठीक है, तो हम ये भी आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट का पार्ट खत्म होगा तो उसके बाद हम EDC का पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, EDC माइक्रो प्रोसेसर यही सब अभी बाकी है। उसके बाद AC सर्किट भी है दोस्तों, जो कि AC सर्किट से भी काफ़ी न्यूमेरिकल आती है। ठीक है, तो इसी क्रम दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेरली कॉन्फिडेंट विद इन लेबोरेटरी एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा मापन यंत्र लेबोरेटरी में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो लेबोरेटरी होती हैं, जो हमारी प्रयोगशालाएँ होती हैं, प्रयोगशालाएँ में हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए हम लेबोरेटरी में रखे हुए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं का लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है, जो कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर इज पास्ड बाई एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। संकेतक मापन उपयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जरूरी विशेषताएं होती हैं? डिफ्लेक्टिंग डिवाइस या कंट्रोलिंग डिवाइस या डैम्पिंग डिवाइस या डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग डिवाइस। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए दोस्तों सभी आवश्यकता होती हैं, डिफ्लेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग भी एंड डैम्पिंग डिवाइस, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग डिवाइस क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग का कार्य क्या होता है? मान लो हमारा कोई एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर लगा होता है, इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग टारगेट TD का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा कंट्रोलिंग टारगेट TC होता है, इस पर क्या होता है, TC काम क्या होता है कि इस पॉइंटर के विपरीत दिशा में। ठीक है, मतलब जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोज करने के लिए हम कंट्रोलिंग टार्क TC का प्रयोग करते हैं। तो TC क्या होता है कि पॉइंटर की गति को कंट्रोल करता है, और डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है वो पॉइंटर को गति प्रदान करता है, यानी कि मूव कराता है। इसके अलावा जो डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग का एकदम लास्ट में जो होता है क्या होता है कि ये ऑक्सीलेशन के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीलेट करता है तो वाइब्रेशन करता है, उसके लिए हमारा डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था, जो कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज सटीक प्रजनन से अभिप्राय है कि यंत्र में जीरो ड्रिफ्ट होगा, हाई एक्यूरेसी होगी, या मैक्सिमम ड्रिफ्ट होगा, या मिनिमम एक्यूरेसी होगी। तो हमारा जो परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी में होता है सटीक प्रजनन के लिए, हमारा क्या होता है दोस्तों, जीरो ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट, शून्य ड्रिफ्ट होता है। दोस्तों देखिए इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें रटने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको कि उसमें आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, जो समझाने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम समझाते हुए चलेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रटने वाले हैं उनको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को डायरेक्टली आप रट लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर बीच में भी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, पॉजिटिव और निगेटिव, आर क्लासिफाइड एज डॉट डॉट एरर। परिणाम तथा प्रकृत दोनों में होने वाली त्रुटियाँ जो परिवर्तित होती हैं को कौन सी त्रुटि कहते हैं? ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव में जो एरर होगी, ठीक है, कौन सी एरर होगी, वो हिस्टेरेसिस होगी या रैंडम होगी या इंट्रेक्शन एरर होगी या सिस्टमेटिक एरर होगी। तो दोस्तों जो एरर होती है वो रैंडम एरर होती है। रैंडम एरर क्या होता है कि इसका जो आकलन करना, इसकी गणना करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, रैंडमली ये एरर ऐसी होती है। ठीक है, तो इसका जो हमको आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है रैंडम एरर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेरेड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज 110 माइक्रोफेरेड, द परसेंटेज रिलेटिव एरर इज। तो ये संधारित का नापा गया माप जो होता है 100 माइक्रोफेरेड में है, और संधारित का जो सही माप है, ठीक है, ट्रू वैल्यू से बोलते हैं, ट्रू वैल्यू माने 110 माइक्रोफेरेड, तो रिलेटिव एरर क्या होगी? तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगी, मेजर वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, तो रिलेटिव परसेंटेज एरर का हो जाएगा क्या, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%
ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर रख के हम लगाएंगे न्यूमेरिकल, तो हमारा रिलेटिव परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा 110 ट्रू वैल्यू है माइनस 100 हमारा मेजर्ड वैल्यू है अपॉन 110 ट्रू वैल्यू इंटू 100%, ठीक है। तो 110 में से हम 100 कटाएंगे तो 10 अपॉन आ जाएगा 110, क्योंकि तो माइक्रो फैरड में दोस्तों, इसलिए मैं माइक्रो फैरड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम है माइक्रो फैरड कट जाएगा, इसलिए मैं माइक्रो फैरड को लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इनटू हो जाएगा 100, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000 अपान 110, 0 से 0 कट गया तो 100 अपान 11 आ गया। तो 100 अपान 11 को हम भाग देंगे 11 से तो 9.09% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 9.09%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये रिलेटिव परसेंटेज एरर है, ठीक है। दोस्तों रिलेटिव परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप फार्मूलों को याद रखें। फार्मूला एकदम सिंपल फार्मूला है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%, ये रिलेटिव परसेंटेज एरर का फार्मूला है। तो यदि फार्मूले आपको याद हैं तो आसानी से आप रख के लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीप एरर इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर। क्रीप एरर निम्न में से किस मीटर से संबंधित है। दोस्तों जो क्रीपिंग एरर होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रीप एरर किससे संबंधित होती है, मूविंग आयरन मीटर से, एनर्जी मीटर से, या इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर से, या वाट मीटर से। तो क्रीपिंग एरर जो होती है या क्रीप एरर जो होती है वो एनर्जी मीटर से संबंधित होती है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली रट लीजिए, क्रीप अगर कहीं पे क्रीप एरर दिखे तो आपको एनर्जी मीटर मार देना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पूछे जाने की प्रायिकता 99.99% होती है, तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल हैविंग वेरी क्लोज वैल्यू वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट विद। बहुत पास वैल्यू वाले संकेतों के बीच अंतर के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाई एक्यूरेसी या हाई रिजोल्यूशन या हाई सेंसिटिविटी या हाई लीनियरिटी। तो क्या होता है दोस्तों, जो बहुत पास वैल्यू वाले एकदम निकटतम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए। क्या होता है उसका रिजोल्यूशन जो होना हाई होना चाहिए। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई हमें मल्टीमीटर लेना है तो मल्टीमीटर का रिजोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, एक होता है 4, ठीक है, एक होता है 4.5, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन सा मल्टीमीटर लोगे, 4 वाला लोगे या 4.5 वाला लोगे, तो दोस्तों क्या करना है कि हमेशा आपको 4 का ना लेके 4.5 का ले जाता है। क्यों, क्योंकि 4.5 का रिजोल्यूशन बहुत अधिक होता है, ठीक है। जैसे इसका 4 का क्या हो जाएगा, इसका 999 होता है, ठीक है, लेकिन 4.5 का हो जाएगा 1999, ठीक है, इतना अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कि 4.5 का लिया जाता है, तो इसीलिए कि जब हमको बहुत वैल्यू निकट वैल्यू के लिए अगर हमको, ठीक है, कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो रिजोल्यूशन होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरली यूज्ड एट। वैद्युत स्थितिक प्रकार के उपकरण प्रायः प्रयुक्त होते हैं क्या मापने के लिए, अमीटर के लिए, वाट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए, या ओम मीटर के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है दोस्तों, उससे हम, ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत हाई वोल्टेज मापने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, जो कि डीसी और एसी दोनों मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ मिस्टेक इन रीडिंग, पैरालैक्स, या इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एंड इनएडिक्वेट लाइटिंग। लंबोत पठन में गलती के कारण या अनुचित साधन स्थान और अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के कारण निम्न त्रुटियों में से कौन सा त्रुटि उत्पन्न होती है। ट्रांसलेशनल एरर यानी अनुवाद त्रुटि, या ऑब्जर्वेशनल एरर, या ट्रांसमिशन एरर, या कंस्ट्रक्टिव एरर रचनात्मक त्रुटि। दोस्तों यदि हमको, ठीक है, पठन में एरर हो रही है, या पैरालैक्स एरर हो रही है, या लाइट के कारण एरर हो रही है, हमको दिख नहीं रहा तब एरर हो रही है, तो ये सब एरर क्या होती है, ये जो एरर आती है वो ऑब्जर्वेशन एरर में आती है, अवलोकन एरर में आती है, ठीक है। यदि मल्टीमीटर हमको रीडिंग दे रहा है 7.5 ओम, ठीक है, और हमको दिख रहा है कितना, 7.2 ओम,
तो हमको देखने में गलती हो रही है, मतलब पठन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एरर हुई, ये एरर हमारे किस में आती है? अवलोकन एरर या ऑब्जर्वेशन एरर में। ठीक है, तो एरर किस में आती है? ऑब्जर्वेशन एरर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माता करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स, एक उपकरण की सटीकता का मतलब क्या होता है? मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी से क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, स्पीड विद विच ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच द फाइनल वैल्यू, गति जिसके साथ यंत्र पढ़ने के अंतिम मान का अनुमान लगाया जाता है, या मापित मान का दोहराव रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, या स्मॉलेस्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मेजर्ड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, माप के मान में सबसे छोटा परिवर्तन जो यंत्र द्वारा हटाया जा सकता है, या क्लोजनेस ऑफ द इंडिकेटेड बाय इट टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजर्ड। ठीक है, माप के सही मान के लिए इसके द्वारा इंगित निकटता। तो दोस्तों जो एक्यूरेसी है इसके संबंध में ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हम समझाते हैं आपको एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, मान चलो कि एक्यूरेसी क्या है कि कोई हमारी एक वैल्यू है उसको आपको मेजर करना है। ठीक है, हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस 5 ओम को रेजिस्टेंस को आपको मापना है। ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हो, मान लेता हूँ कि ओम मीटर या मल्टीमीटर से माप रहे हैं। एक मल्टीमीटर से मापते हैं जो कि हमको देता है 4.8 ओम। ठीक है, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं और दे रहा 4.9 ओम। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मापते हैं वो दे रहा है 4.99 ओम। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें किस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है जो 4.99 तक दे रहा है। मतलब जो हमारे वैल्यू है उस वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, जितना कम होगा उतना उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अच्छी होगी। अगर हम 5 में से 4.99 को हम माइनस करते हैं तो 0.01 आएगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है अदर इंस्ट्रूमेंट के अपेक्षा। तो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी यही होती है। ठीक है, तो प्रयास किया जाता है कि जो डिजाइनर होते हैं वो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों कोई चीज़ आइडियली नहीं होती। ठीक है, आइडियल मान चला जाता है कि ये चीज़ आइडियल है, लेकिन वो चीज़ आइडियल होती नहीं, थोड़ा थोड़ा कमियाँ उसमें रह जाती हैं। लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लेने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम आशा करते हैं कि आपको एक्यूरेसी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इज नो एज, मापन की पुनरुत्पादिता का लक्ष्य .. होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है? रिजोल्यूशन होता है, या प्रिसीजन होता है, या फिडेलिटी होती है, या एक्यूरेसी होती है। तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा प्रिसीजन। ठीक है, शुद्धता होती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी एक वैल्यू को हम माप रहे हैं और उस वैल्यू को माप रहे हैं तो अगर कई बार हम मापते हैं तो बार बार सेम वैल्यू देता है। ठीक है, मान चलो कि हम 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम को रेजिस्टेंस को हम मापे किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, वो हमको बार बार वही वैल्यू दे रहा है 4.9 ओम। ठीक है, इसके अलावा फिर हमको दिया 4.9 ओम। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की क्या है? यही हमारे इंस्ट्रूमेंट की शुद्धता है, प्रिसीजन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ये पुनरुत्पादी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है मेजरमेंट की, ये क्या है? प्रिसीजन है, शुद्धता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
टू रिड्यूस दी लोडिंग इफेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट मस्ट पासिस, भार प्रभाव को कम करने के लिए एक यंत्र में होना चाहिए। जीरो इनपुट इम्पीडेंस या यूनिट इनपुट इम्पीडेंस या हाई इनपुट इम्पीडेंस या लो इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो भार प्रभाव को कम करने के लिए एक यंत्र में होना चाहिए हाई इनपुट इम्पीडेंस, लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उच्च इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएमएमसी यंत्रों में कुंडली में पैदा होने वाला बल आघूर्ण उसमें से बहने वाली धारा के डाट डाट होता है। तो हमारा जो टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है, बल आघूर्ण से बोलते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है करंट आई की। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर को किसके मापन हेतु तैयार किया जाता है, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए या चार्ज के लिए। तो हम बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं आवेश मापने के लिए या चार्ज मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दी एक्यूरेसी ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज जनरली डॉट डॉट डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो शून्य प्रकार के यंत्रों की एक्यूरेसी होती है या सटीकता होती है समांतर डिफ्लेक्शन प्रकार के यंत्रों से क्या होती है, इक्वल होती है, लेस देन होती है, ग्रेटर देन होती है या अनकम्परेबल टू, मतलब अतुलनीय होती है, क्या होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दी मेजरमेंट रेंज ऑफ फाइन वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ए, एक वोल्ट मीटर की मापन सीमा डॉट डॉट उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगर कोई वोल्ट मीटर है उसकी हमको सीमा को बढ़ाना है मापने की, तो उसमें हम क्या प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस इन शंट, शंट में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर, या लो रेजिस्टेंस इन शंट, शंट में निम्न प्रतिरोध लगाकर, या हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगाकर, या लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध लगाकर। दोस्तों अगर हमको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर के सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस लगाकर वोल्ट मीटर की रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। यहीं पर अगर हमको एमीटर की बात किया होता तो एमीटर में क्या करते, एमीटर में हम पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस लगाकर उसकी रेंज को हम बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर नंबर हमारा सी सही है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको कम डीसी की सही माप के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, छोटा घूमती कुंडली का वोल्ट मीटर या डीसी विहोमापी या छोटा थर्मोकपल वोल्ट मीटर या गर्म तार का वोल्ट मीटर। तो हमको लो लेवल का डीसी ज्ञात करना है तो उसके लिए डीसी पोटेंशियोमीटर या डीसी विहोमापी सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। मूल रूप से विभव मापी उपकरण किसके लिए है, विभव मापी बोले तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, हमारा कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तुलना कार्य के लिए प्रयोग करते हैं ज़्यादातर उसका। तो क्या हो जाएगा, दो वोल्टेज की तुलना करने के लिए, धारा को मापने के लिए, या दो धाराओं की तुलना करने के लिए, या वोल्टेज को मापने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं दो वोल्टेज की तुलना करने के लिए, ठीक है। इसीलिए उसे बोला जाता है कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट। कभी भी पूछता है कि इनमें से कौन सा कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर या विहोमापी। विहोमापी को हम कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो दो वोल्टेज की तुलना करने के लिए हम विहोमापी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो को आपको रटना पड़ेगा, यदि आप रट लेते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी, ठीक है, इंडिकेटिंग उपकरण में प्रयुक्त होने वाला पॉइंटर होना चाहिए, जो हमारा पॉइंटर होता है वो कैसा होना चाहिए, वेरी लाइट होना चाहिए, वेरी वेट होना चाहिए, या लाइटली होना चाहिए, या वेटली मतलब वजन में अधिक होना चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंटर क्या होना चाहिए, उसका वेट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, बहुत हल्का होना चाहिए, तो वेरी लाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बींग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बींग मेजर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मापन उपयंत्र विद्युत राशि का तात्क्षणिक मान
किसी समय में प्रदर्शित करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रदर्शित करता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दोस्तों जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है वो हमारा होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल डॉट डॉट में होते हैं, श्रेणी में होते हैं या द्वि जंक्शन मोड में होते हैं या श्रेणी समानांतर में होते हैं या समानांतर में होते हैं। तो वोल्ट मीटर में जो मल्टीप्लायर होता है या मीटर कॉइल होती है वो किस में होती हैं? वो श्रेणी में होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमीटर इज ए, अमीटर क्या होता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है? दोस्तों जो हमारा अमीटर होता है वो क्या होता है? वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। दोस्तों ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हैं, यूपी आर्मी में आपको मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्शाने वाले मतलब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उपकरण का जो सूचक या पॉइंटर की बात कर रहा है, पॉइंटर कैसा होना चाहिए? हल्का या भारी होना चाहिए? बहुत भारी होना चाहिए? बहुत हल्का होना चाहिए? न तो हल्का हो ना ही भारी होना चाहिए। दोस्तों किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है, मैंने बताया भी, पॉइंटर क्या होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर मेजर अप टू 100 मिली एम्पियर करंट, इट इज टू बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू 100 वोल्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर जो 100 मिली एम्पियर धारा मापता है, यदि उसकी वोल्ट मीटर में रूपांतरण करते हैं तब वह 100 वोल्टेज मापन करता है, तब हम इसमें क्या पाते हैं? दोस्तों जब हम एमीटर को हम वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि हो जाएगा R इक्वल टू वी अपान आई से। तो हमारा वी इक्वल टू कितना है? 100 है, जो कि करंट हमारी कितनी है? 100 मिली एम्पियर है। 100 से 100 कट गया, ऊपर चला जाएगा तो मिली एम्पियर हो जाएगा 10^3 ओम, जिसे बोलते हैं हम 1000 ओम। तो हमको रेजिस्टेंस कितना मिला? हमें रेजिस्टेंस हमको मिला 1000 ओम। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऐड 1000 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में हम 1000 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यही अगर इसे हम चेंज करना होता हमें मतलब वोल्ट मीटर से अगर हम चेंज किए होते अमीटर में, तो हम उसे क्या करते हैं? उसे हम पैरेलल में चेंज करते हैं। देखो ऐसी हमारी सर्किट बनती है। ठीक है, मान चलो कि हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर इस हम वोल्ट मीटर से हम गैल्वेनोमीटर में चेंज करते तो हमको यहाँ पे 1000 रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाना पड़ता, लेकिन हम क्या किए हैं कि हम एमीटर से हम वोल्ट मीटर में चेंज किए हैं। जब वोल्ट मीटर में हम चेंज किए हैं तो वोल्ट मीटर में हम चेंज करने के लिए हमको रेजिस्टेंस 1000 ओम का सीरीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐड 1000 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो मेरा था कि एंड एक्ट एज ए, जो हमारा एंड गेट होता है, किसके तरह कार्य करता है? पैरेलल सर्किट की तरह या सीरीज सर्किट की तरह या सीरीज पैरेलल सर्किट की तरह या नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारा एंड गेट होता है, हमने बताया है कि एंड गेट हमारा कैसे कार्य करता है। एंड गेट हमारा एक सीरीज सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? सीरीज सर्किट की तरह, ये होता है इसका परिपथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, जैसे SV पटेल जी हो गए, समीर सैनी हो गए, ठीक है, ये सब, अनूप कुमार मौर्य हो गए,
ये सभी ने करेक्ट आंसर दिया था। दोस्तों जैसे कि आप सभी वीडियो देखते हैं तो आप सभी लोग वीडियो का करेक्ट आंसर दिया करें, ठीक है। जो क्वेश्चन में देते हैं उस क्वेश्चन को आप अगर आंसर लिखते हैं तो आप कभी उस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देने का प्रयास किया करें, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्योंकि मैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन रखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं तो आप कभी उस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। इसी क्रम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज नो एज। किरचॉफ के वोल्टता सिद्धांत को डॉट डॉट भी कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बोथ या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आप सभी इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।